इतिहासकार राधिका सिंह के अनुसार 1857 के बाद औपनिवेशिक सरकार को मजबूत किया और अदालती प्रणाली के माध्यम से अपनी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, कानूनी प्रक्रिया और विधि को स्थापित किया। नई कानून व्यवस्था में पुराने ताज और पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी का विलय कर दिया गया तथा नई दीवानी और फौजदारी प्रक्रिया को नई दंड संहिता के रूप में प्रस्तावित किया गया, जो मुख्यतः अंग्रेज कानून पर आधारित थे। 1860 के दशकों में ब्रितानी राज ने जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह सहित दत्तक, संपत्ति दस्तावेज और अन्य कार्यों से संबद्ध प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिए। इसका उद्देश्य स्थायी, प्रयोज्य, सार्वजनिक रिकॉर्ड और निरीक्षण योग्य पहचान निर्मित किए जा सके। हालांकि मुस्लिम और हिंदू दोनों संगठनों ने इसका विरोध किया, जिनकी शिकायत थी कि जनगणना और पंजीकरण महिला गोपनीयता को अनावृत कर दिया। पर्दा प्रथा के नियम महिलाओं को उनके नाम लेने और उनके चित्र लेने से निषिद्ध करता है। पहली अखिल भारतीय जनगणना 1868 से 1871 तक संपन्न हुई, जिसमें व्यक्तिगत नामों के स्थान पर घर में महिलाओं की कुल संख्या के आधार पर गणना की गई। ब्रितानी राज ने भ्रूण हत्या, वेश्या, कुष्ठ रोगियों और हिजड़ों को अलग अलग समूहों में शामिल करना चाहता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान थॉमस बैबिंगटन मैकॉले ने अपने फरवरी 1835 के निर्णय में भारत में स्कूली शिक्षा को अनिवार्य किया और लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक गवर्नर जनरल के विचारों को लागू किया। बेंटिक ने आधिकारिक भाषा के रूप में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को लागू करने, अनुदेश अंग्रेजी में रखने और अंग्रेजी भाषी भारतीय अध्यापकों को प्रशिक्षण देने का अनुग्रह किया था। वो उपयोगितावाद के विचारों से प्रभावित थे। तथापि बेंटिक का प्रस्ताव लंदन के अधिकारियों द्वारा खारिज कर दिया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1880 से 1920 तक प्रतिवर्ष 1% के हिसाब से वृद्धि हुई और जनसंख्या में भी लगभग 1% की वृद्धि हुई। 14 इसका परिणाम ये हुआ कि दीर्घकाल में भी प्रति व्यक्ति आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जिससे जीवन यापन की लागत और अधिक बढ़ गई। अभी भी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी और अधिकतर किसानों का जीवन यापन का माध्यम कृषि था। इसके बाद व्यापक सिंचाई प्रणाली निर्मित की गई एवं निर्यात और भारतीय उद्योग के लिए कच्चे माल के लिए आवश्यक नकदी फसलों को प्रोत्साहन दिया गया, जिसमें मुख्यतः जूट, कपास, गन्ना, कॉफी और चाय शामिल थी। 15 औपनिवेशिक काल में भारत का सकल घरेलू उत्पाद शेयर 20% से घटकर 5% पर आ गया। 1880 का दशक सामाजिक परिवर्तन का दौर था। उदाहरण के रूप में कवि, संस्कृत की विद्वान रमाबाई ने भारतीय महिलाओं की मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से विधवा पुनर्विवाह के किया और स्वयं एक ब्राह्मण परिवार से होते हुए गैर ब्राह्मण से विवाह किया। बाद में उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। 1917-1900 तक आते आते सुधार आंदोलन भारतीय कांग्रेस के माध्यम से होने लगे। कांग्रेस सदस्य गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय सेवक समाज की स्थापना की, जिसमें विधायी सुधार जैसे हिंदू बाल विधवा का पुनर्विवाह की अनुमति देना के लिए पैरवी की तथा उसके सदस्यों ने गरीबी सुधार की कस्में ली और सामाजिक अछूतों के लिए कार्य किया। 1905 तक आते आते गोखले द्वारा निर्मित आधुनिक सुधारवादियों का एक बड़ा समूह बन गया, जिन्होंने कई जन आंदोलन किए और नैतिकवादी तैयार किए, जिन्होंने न केवल जन आंदोलनों की वकालत की बल्कि समाज सुधार को राष्ट्रवाद के रूप में विकसित किया। इन्हीं उदारवादियों में से एक बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्होंने पृथक हिंदू राजनीतिक व्यवस्था जुटाने का प्रयास किया और पश्चिम भारत में वार्षिक गणपति महोत्सव की शुरुआत की। 1889 में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रॉबर्ट गस्कॉइन सेसिल सेलिसब्री के तीसरे मार्क्वेस ने कहा, यह न केवल हमारा कर्तव्य है बल्कि हमारे हित में है कि हम ईसाई धर्म के प्रसार को पूरे देश में यथासंभव बढ़ावा दें। क्राइस्ट चर्च कॉलेज 1866 और सेंट स्टीफन्स कॉलेज 1881 ब्रिटिश राज के दौरान स्थापित प्रमुख चर्च संबद्ध शैक्षिकी संस्थानों के दो उदाहरण हैं। ब्रिटिश राज के दौरान स्थापित शैक्षिकी संस्थानों के भीतर ईसाई ग्रंथ, विशेष रूप से बाइबल, पाठ्यक्रम का एक हिस्सा थे। भारत में ईसाई मिशनरियों ने भी साक्षरता बढ़ाने का काम किया और सामाजिक सक्रियता में भी लगे हुए हैं, जैसे कि वेश्यावृत्ति के खिलाफ लड़ना, विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह के अधिकार का समर्थन करना और महिलाओं के लिए कम उम्र में विवाह रोकने की कोशिश करना।